भोपाल में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना के खिलाफ जंग के लिए वैक्सीनेशन के महाअभियान में टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण किया और कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया। उन्होंने टीकाकरण के लिए आए लोगों का उत्साहवर्धन भी किया। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल के शिवाजी नगर सरस्वती शिशु मंदिर में कोविड सेंटर का निरीक्षण किया और कोरोना वॉरियर मेडिकल स्टाफ को गुलदस्ता देकर सम्मानित भी किया। उन्होंने वैक्सीन लगवाने आए लोगों का भी गुलाब के फूल देकर उत्साहवर्धन किया। मिश्रा ने कहा, कोरोना से जंग में वैक्सीनेशन सबसे कारगर हथियार है। दोनों का उद्देश्य एक ही है, हमें मध्य प्रदेश को कोरोना मुक्त करना है और ये वैक्सीन संजीवनी है। ये ऐसी वैक्सीन है जो कोरोना की बीमारी से मुक्त करेगी, कोरोना के भ्रम से मुक्त करेगी, कोरोना के भय से मुक्त करेगी, कोरोना बीमारी से मुक्त करेगी। तो कोरोना मुक्त अभियान है ये वैक्सीन अभियान। मध्य प्रदेश के अंदर वैसे भी आज कुल 5 ही प्रकरण आए हैं और 100 से कम पूरे मध्य प्रदेश में एक्टिव केस रह गए, जबकि 8 लोग ठीक होकर घर गए। संक्रमण दर भी हमारी 0.007 रह गई है। आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है। फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फार्मेसी मेडिकल एग्रीकल्चर साइंस पैरामेडिकल लॉ एंड मेनी मोर। विजिट LNCTU.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।